रेवाड़ी में कारोबारी की हत्या के विरोध में धरना खत्म हो गया है। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा और विधायक बाबा बालकनाथ ने व्यापारियों को समझाने की कोशिश की और उसके बाद धरना खत्म कराया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों से टीम भेजी है, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से गुजारिश की जाएगी। एनडीटीवी से खास बातचीत की है वन मंत्री संजय शर्मा ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है महंत बालकनाथ जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर विधायक हैं और उन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे उसके तहत ही आज व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिली कि वो अभी बातें जो हैं अभी पूरी नहीं हुई। महाराज जी, चुनाव में आपने वादे किए थे अपराध पर लगाम लगाना आपकी प्राथमिकता थी, कैसे अपराध पर लगाम लगेगी कल एक बड़ी घटना सामने? देखिए, हमारी सरकार लगाएगी और हमने अपनी सरकार के विश्वास पर ये वादा किया है और हमने उन सब समस्याओं का और हमने उन सभी प्रावधानों के बारे में सरकार को अवगत भी कराया है पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मिलकर कि जो जो हमें यहाँ पर भिवाड़ी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए और आगे आने वाले समय पर ये सब चीज़ें पूरी भी होंगी। और मैं मानता हूँ कि ये जो घटना कल घटित हुई है हमारे भिवाड़ी के अंदर ये बहुत बड़ी घटना है और इस प्रकार के हौसले अपराधियों के होने नहीं चाहिए राजस्थान प्रदेश में कहीं भी, और इसके खिलाफ़ में सरकार पूरी ऐसी घटनाओं के खिलाफ में खड़ी है और सरकार का रिजल्ट परिणाम आपको आने वाले समय में आज कल में ही दो दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। सर, भिवाड़ी जो क्षेत्र है, तिजारा जो क्षेत्र आपके विधानसभा क्षेत्र मेवात से लगती हुई क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है, किस तरह की व्यवस्थाएं अब आप आगे करने वाले हैं? देखिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस की नफरी है, यहाँ पर जो है कि मोबिलाइजेशन पायलटिंग के लिए मतलब एक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त वाहनों की जो आवश्यकता है ये सब चीज़ों की डिमांड हमने सरकार को दी है और आने वाले समय पर ये सब चीज़ें पूरी होंगी क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं करेंगे तभी जाकर इस क्षेत्र के अंदर हम ऐसी घटनाओं को और आपराधिक गतिविधियों को रोक सकते हैं। महंत बालकनाथ जी जो विधायक हैं यहाँ से, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार को जो मांगे ही रखी हैं उनको भी जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। अलवर से मुदित गोड, एनडीटीवी। भिवाड़ी में हुई डकैती और हत्या की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भिवाड़ी में डकैती और हत्या की घटना बेहद गंभीर है, घटना राज्य सरकार के माथे पर कलंक के समान है, ये घटना राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोलती है।